हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन गर्ल चुमकी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं हूँ चुमकी। थंबनेल एंड टाइटल से तो आपको समझ में आ ही गया कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। सो गाइस, मैंने अनायसा के एक लास्ट वीडियो में देखा कि अंकुश शर्मा ने अनायसा से फेयरवेल ले लिया है, तो उस वीडियो को देखकर बहुत ही बुरा लगा है। मैं बहुत ही इमोशनल हो गई थी। पता है मुझे, आप सब भी मेरी तरह इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उनके जो जोड़ी है, उनके जो बॉन्डिंग है, माशाल्लाह क्या बोलूं, इतना क्यूट लगते हैं उन दोनों एक साथ। उन दोनों की जो रिलेशन है, जो फ्रेंडशिप है, मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। वो दोनों जब एक साथ वीडियो पे आते हैं तो मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब देखते ही रह जाती हूँ उनके वीडियो, फर्स्ट टू लास्ट देखती हूँ, कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। इतना पसंद है मुझे उन दोनों की जोड़ी, उन दोनों की वीडियोस। वो दोनों बहुत ही ज्यादा हमें एंटरटेन करते थे। वो दोनों जब एक साथ वीडियो पे आते थे तो वो वीडियो देखने की मजा ही कुछ और था, मतलब अलग सा मजा आ जाता है वीडियो पे, सच में। पर लास्ट में मैंने जब वो वीडियो देखा, जिस तरह से उन्होंने अपने टीम को बाय करके चले आए थे, तब मानो मेरे आंखें नम हो गई थी वो सीन देखकर। शायद आपके साथ भी ये हुआ है। और उन्होंने अनायसा में फेयरवेल लेते वक्त कहा था कि मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, वो मूव ऑन करना चाहती है। जो भी हो, सबका अपना अपना बात रहता है, पर्सनल मैटर रहता है, हर बात हम सोशल मीडिया में शेयर नहीं कर सकते हैं। वो अपना बात है, अपना थिंकिंग है, अपनी मर्जी है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बस हम इतना कह सकते हैं, अंकु आ जाइए आप अनायसा पे, अनुष्का के साथ वीडियो बनाइए, हमें बहुत पसंद है आपके वीडियो, आप दोनों की बॉन्डिंग, आप दोनों की फ्रेंडशिप हमें बहुत ज्यादा पसंद है, हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं। अगर आपसे हो सके तो आप प्लीज आ जाइएगा अनायसा पे। जो भी हो, उसके बाद मैंने अगले ही दिन मेरे यूट्यूब पेज में एक वीडियो देखा जहाँ पे अंकुश शर्मा की वीडियो थी। वहाँ पे था, वेलकम बैक माई चैनल रिलॉन्च अंकुश शर्मा। वीडियो देखते ही मैंने तुरंत क्लिक किया वीडियो पे। हालांकि उनका ये चैनल न्यू नहीं है, 2 साल पुराना चैनल है, तो उसी चैनल को उन्होंने रिलॉन्च किया है। और उस वीडियो में उन्होंने कहा है, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम उनसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पे वो ब्लॉग्स भी डालने वाले हैं। तो ये वीडियो देखकर मुझे अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई कि चलो अंकुश शर्मा यूट्यूब पे तो है। और साथ ही साथ मुझे उतना ही दुख हुआ क्योंकि उन्हें हम अनायसा पे देख नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने अनायसा से क्यों फेयरवेल ली, आखिर सच क्या है, इसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। खैर, वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर वो शेयर करना चाहेंगे तब जरूर शेयर करेंगे हमारे साथ। शायद अगर इन फ्यूचर वो इस बात को शेयर करते हैं तो हमें जरूर पता चलेगा। और अगर उससे पहले ही आपको पता चल जाए कि उन्होंने अनायसा क्यों छोड़ा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ। और मुझे ये भी पता है आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट करोगे, बोलोगे कि आप अपने काम से काम रखो, आप क्यों दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हो। तो आप सवाल करने से पहले ही मैं जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे सवाल से पहले जवाब देना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह उनके व्यूअर हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनका वीडियोस देखना, उनको साथ में देखना, उनके फ्रेंड्स मुझे भी आप ही की तरह बहुत पसंद है। तो अचानक से अगर वो अलग हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, फेयरवेल ले लेंगे, तो दुख तो होगा ना, मुझे भी आपकी तरह, जैसे आपको भी दुख हो रहा है, मुझे पता है। अंकु ने अनायसा क्यों छोड़ा ये जानने के लिए मुझे पता है आप भी बेताब हो, आप भी इसका रीजन जानना चाहते हो, और सही भी है, क्यों ना जानना चाहेंगे, क्योंकि हम उनके व्यूअर्स है, हम उन्हें इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, उनको अच्छा लगता है हमें देखने में, एंटरटेन करते हैं वो हमें, तो हम तो जाहिर सी बात है कि हमें भी पता होना चाहिए क्यों अचानक से अलग हो गया। अगर वो शेयर करते हैं ये प्रॉब्लम, ये बातें, अगर उन्हें शेयर करना ठीक लगता है तो ही हम जानना चाहते हैं, ये नहीं कि हम फोर्स कर रहे हैं कि बताओ 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 क्या है प्रॉब्लम, ये बिल्कुल नहीं, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। बस हम व्यूअर्स इतना ही कह सकते हैं कि अंकु आप दोबारा से अनायसा पे आइए, अनिष्का के साथ आप वीडियो बनाइए, दोनों साथ में वीडियो बनाइए, साथ में रहे और हमें एंटरटेन करते रहे। तो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी बुरा लगा देन सॉरी, बुरा मत मानो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चाहो तो शेयर कर करके आप अनायसा और अंकु के पास तक भी भेजो, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम कितना उन्हें चाहते हैं, उन दोनों को साथ में चाहते हैं, उनके बॉन्डिंग, उनके फ्रेंडशिप हमें कितना पसंद है। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अगर आपसे हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।